तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो बहुत सारे टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं, तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर देना एंड वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। एंड सबसे पहले यार हम बात करने वाले हैं बीजीएमआई से रिलेटेड। तो सीईओ जो है स्काई ई स्पोर्ट्स के, उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने लिखा था सबमिटेड एवरीथिंग रिक्वायर्ड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड उनकी जो स्टोरी है वो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। साथ में जो घातक भाई है उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि यार 2 दिन इस चीज को हो चुके हैं, उसके बाद भी हमारे को कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। एंड देखते हैं अभी क्या चल रहा है एंड क्या अपडेट हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद जो फेनेटिक नीमो है उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था गेम विल बी बैक एंड वो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एंड इसके बाद जो क्रॉन्टन भाई है उन्होंने अपनी लाइव स्ट्रीम पे बताया था कि जो भी स्टारवर्ड के प्लेयर्स हैं वो हमारे को गॉड लाइक बूट कैंप में बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाले हैं, तो उनकी वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं। अबे क्या डरते हैं क्या, इंटरनेशनल एचटी क्या है, इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल अवार्ड और अवार्ड। ये है अपना फिफ्थ रोस्टर, फिफ्थ, लेट्स गो। अपना बीजीएमआई हो गया, बीजीएमआई फ्री फायर कॉडेम बीजीएमआई गर्ल एंड ये हो गया इंटरनेशनल रोस्टर गॉड लाइक का। कैसा लगा जॉनी? अभी आने वाले बूट कैंप पे ये बहुत जल्द मजा आएगा, साथ में खेलेंगे वगैरह, वही साथ में खेलेंगे कोच भाई। अभी इतना टीम टॉप पे क्या क्या इंटरनेशनल पे खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर वो इंटरनेशनल शिफ्ट होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पूछ रहे थे टीम सोल से रिलेटेड। तो इस पे उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। can we see Seoul boot camp and international grounds so players can play the international? Guys, this is too soon to answer these questions. एक दिन हुआ है बस खबर मिलके, कल हुआ था, आज सेकेंड डे है, तो वी डोंट नो, वी कैन नॉट टेक हेस्टी डिसीजंस। इफ आई हैव नोन थक भाई, गोल्डी भाई एंड मॉर्टल, आई नो दे विल नॉट टेक एनी हेस्टी डिसीजंस जो बाद में जाके यू नो मतलब खराब लगे अपने को, तो वो हेस्टी डिसीजंस अभी फिलहाल के लिए तो नहीं लेने हैं। इट्स जस्ट अ सेकेंड डे, कुछ ना कुछ देखते हैं मतलब आगे क्या होगा, क्या हम सोल को बाहर भेजेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसका कुछ अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। और एनी बिजनेस, स्पेशली अ बिजनेस दिस फकिंग बिग, यू नो ऑब्वियसली एसएटीएल इज अ ह्यूज थिंग, अ बिजनेस दिस बिग विल नॉट टेक डिसीजन इन 1 or 2 days, ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट डज नॉट मेक सेंस। कोई भी बिजनेस ऐसे काम नहीं करता, बैठेगा, मीटिंग होगी, आराम से बातें होंगी और उसके हिसाब से ऑब्वियसली एक डिसीजन जो भी है वो लिया जाएगा। What about a team? Will you stick together as a team? Again, we don't know where the game stands, guys. We don't know where, if it is permanently banned or temporarily banned or if it is gone, if it is not coming back, we don't know yet. So, sit by Seoul ka lineup disband nahi hoga na yaar, second day hai yaar, tum log ye sab sawal pooch rahe ho aur players ke dimag mein bhi aayega ye sab cheeze, wo log ki bhi gaand phat jayegi. Hum log ne kisi ko abhi tak release nahi kiya, hum log ke paas reality situation hai nahi abhi tak. सिचुएशन का रियलिटी है नहीं, दिस ऑल्सो कुछ भी हो सकता है आगे जाके, हम लोग को पता नहीं है। जो डिसीजन जो ऊपर मैनेजमेंट बैठी हुई है वो डिसीजन लेगी, और जितना मेरे को मालूम है किसी को एसएटीएल में जितने भी लोग हैं अभी किसी को अबैंडन तो आई डोंट थिंक करेगी। एक डिस्कशन होगा इसके बारे में, ठीक है, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ अबैंडनमेंट का इशू होने वाला है यहाँ पे, जितने मैंने ये लोग देखे हैं। एक साल पहले जब मैं आया था यहाँ पे, फर्स्ट 1-2 months आई यूज टू फील कि यार वाई डोंट दे रन दिस कंपनी एज अ बिजनेस, फिर मेरे को लोग समझ में आया कि नहीं, मतलब जो रिलेशनशिप्स ये लोग ने बनाए अंदर, आई थिंक दे लाइक अ 50-50, दे डू रन इट लाइक अ बिजनेस बट देर आर ऑल्सो अ लॉट ऑफ इमोशंस इन इट। सो आई डोंट थिंक वट एवर हैपन्स एनीबडी इज गेटिंग यू नो इमीडिएटली अबैंडन्ड और एनीथिंग, जो है सबका ख्याल रखा जाएगा मेरे हिसाब से। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है गॉड लाइक को लेके। आप लोगों को भी पता ही है हमारे को कल स्टारवर्ट ईस्पोर्ट्स एंड गॉड लाइक का कोलैब देखने को मिला था। एंड इसके बाद जो क्रॉन्टन भाई है उन्होंने कुछ स्टोरी लगाई थी वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें उन्होंने एक पॉइंट लिखा था एनी गेस कि हमारा जो दूसरा बूट कैंप है वो कहाँ पे रहने वाला है, तो आप लोगों को भी यार समझ गए होंगे कि हमारे को इंटरनेशनल बूट कैंप देखने को मिल सकता है गॉड लाइक का। एंड आप लोगों को इस पे क्या लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद बहुत लोग जो जोनाथन है उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारे को एसटी जोनाथन देखने को मिलेगा या फिर वो हमारे को इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हुए दिखाई देंगे, तो इसका उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। एसटी जॉनी ब्रो रिएक्ट टू सम व्लॉग्स आल्सो, भाई सब करेंगे, रुको चिल करो,
थोड़े मैचेस खेलते हैं, मतलब टाइम पास, ताकि हाथ गर्म ही रहे। मुझे याद है कि प्रीवियस टाइम भी ऐसा हुआ था कि जब गेम बैन हुआ था 1 ईयर के लिए, हम मतलब लाइक जो फ्लो में चल रहे थे इंटरनेशनल के साथ, वो कट ऑफ होके हम बहुत पीछे रह गए थे उस चीज़ों में। बट अभी वापस से बोल सकते थे कि अपन वो मतलब समझ रहे हो, ऑलमोस्ट क्लोज हो गए थे इंटरनेशनल के लेवल के जितना। बट अभी वही सीन है कि वापस से गेम बैन हो गया। एंड गेम बैन, मेरे को भी पता नहीं है गेम बैन हुआ है कि नहीं अभी तक, कि क्या है अभी तक किसी को भी ऑफिशियली पता नहीं है क्या सीन है क्या नहीं। जस्ट वो यही बोल सकते कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए वेट कर सकते अपन, और कुछ नहीं। सो यही टेम्पररी बोलो हुआ भाई। यार। हाँ, सो थोड़ा हाथ गर्म रखने के लिए तो मैं नॉर्मल क्लासिक वासे खेलते रहूँगा, ताकि अगर मेरे को खेलना पड़े, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अगर मुझे मुझे इंटरनेशनल या जिधर भी, क्या पता कभी जब, ताकि वो टाइम पे मेरे हाथ गर्म रहे, यही बोलूँगा। जॉनी इंटरनेशनल में एमवीपी चाहिए, ठीक है भाई, एज यू से ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। जॉनी को इंटरनेशनल में देखने का अलग ही फील आएगा इस बार। ओल्ड TSM 20 वाइब्स विल बी सून बैक। क्या बोल रहे हो, इंटरनेशनल तो मतलब अभी फिलहाल तो इंटरनेशनल वाला कोलैब तो हो गया है, बट क्या पता खेलने का मौका मिले या नहीं। गाइस मेरा हाथ है, मिल गया है, बस हाथ पकड़ के खींचना बाकी है, समझ रहे अरे हो। वही स्टार्ट करेगा क्या तू? तू स्टार्ट कर। एंड इसके बाद जो रुशिंद्र भाई हैं उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया था टीम गॉडलाइक को, एंड इसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा हेट वगैरह मिल रही थी, तो इस चीज का उन्होंने रिप्लाई करा अपनी लाइव स्ट्रीम में। उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। कमेंट आरी तो वाले कमेंट पढ़ने नहीं, बोलना थोड़ा अबाउट द गॉड एल एस। अरे ओके गाइस वेट, आई डिडंट वांट टू से वेट, नो नो नो, आई हैव नो प्रॉब्लम सेइंग इट एंड आई विल टेल यू व्हाई आल्सो। जो भी एक्यूजेशंस है उनके अगेंस्ट, टेक इट अप विद देम। मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए अगर इतना हेट मिल रहा है तो आई डोंट नो व्हाट टू से। अगर एक ऑक दूसरी ऑक के साथ पार्टनरशिप करते हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँ, तो अगर इसमें इतना कुछ गलत किया है तो आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। अगर मेरे कॉन्ग्रेचुलेट करने से उनके पास्ट एक्शंस जायज़ है, ऐसा तो नहीं है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँ तो गलती मेरी है, मैंने किया है, ये क्या लॉजिक है? इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस, आई एम सॉरी। एंड इसके बाद यार उनसे पूछा गया था कि अगर हमारे को BGMI देखने को नहीं मिलेगा तो उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो इस चीज के ऊपर भी उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक क्लोज टू नॉट हैपनिंग। मेरे आई वॉन्टेड टू कम बैक, मैं 100% नहीं 200% चाहता हूँ कि गेम वापस आ जाए। अभी अभी जीते हैं यार BGMI से, इट्स लाइक सबसे बड़ा जो BGMI का ई स्पोर्ट्स इवेंट था वो हम जीते हैं। आई वुड नॉट वॉन्ट द गेम टू कम बैक, वी जस्ट आई डोंट नो अगर रियलिस्टिकली पॉसिबल है। सो अंटिल देन वी आर ऑल गोना मूव टू न्यू स्टेट। हम न्यू स्टेट पे अभी ध्यान देंगे, न्यू स्टेट का कॉन्टेंट बनाएंगे, न्यू स्टेट के इवेंट्स होस्ट करेंगे, न्यू स्टेट का सब कुछ करेंगे। अभी फॉर नाउ हमारे लिए न्यू स्टेट सब कुछ होगा। अगर BGMI का कुछ होगा वी विल ऑब्वियसली कम बैक, अगर नहीं तो फिलहाल आई थिंक न्यू स्टेट इज द वे टू गो। क्या हुआ मीटिंग में, अच्छी है हमारी। तो हमारी जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है यार वो थोड़ी सीरियस टॉपिक पे होने वाली है। कुछ एलिगेशंस वगैरह लग रही थी तोकीर एंड जियान से रिलेटेड, तो मैं आप लोगों को वो पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड उसके बाद जो जियान है वो लाइव भी आए थे, तो मैं आप लोगों को उनकी वो वाली क्लिप भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ ट्वीट्स वगैरह हमारे को देखने को मिले, काफ़ी इंस्टाग्राम पोस्ट ने इससे रिलेटेड पोस्ट किया। तो जो एक्स्ट्रा स्कोर है उन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह डाले थे जिसमें उन्होंने बात करी थी जियान एंड तोकीर से रिलेटेड, एंड इसके ऊपर स्टालवर्ट को तो हेट मिल रही थी। इसके बाद जब हमारे को कोलैब देखने को मिला गॉडलाइक एंड स्टालवर्ट ई-स्पोर्ट्स का, तो गॉडलाइक को भी बहुत लोग एंटी नेशनल बोल रहे थे। तो इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जियान द सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स लिव इन कश्मीर इंडिया, ही क्लेम्स दैट स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स इज एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर हिज ट्विटर अकाउंट्स डिफाइन अ होल डिफरेंट स्टोरी। एंड इसके बाद उन्होंने अपने नेक्स्ट पोस्ट के अंदर कुछ ट्वीट्स वगैरह लगाए थे जिसमें उन्होंने लिखा था, जियान इज अशेम टू बी कॉल्ड एज इंडियन, डिस्पाइट लिविंग इन इंडिया जियान डजेंट सीम टू कंसिडर हिमसेल्फ एन इंडियन, एंड उनके कुछ पोस्ट वगैरह आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। एंड इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट पोस्ट में लिखा था, जियान use the illegal flag of Jammu and Kashmir on the official jersey of Stalwart Esports, एंड बाकी जो पोस्ट है वो आप लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद उन्होंने कुछ और भी ट्वीट्स वगैरह लगाए थे जियान से रिलेटेड, वो भी आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे।
एंड इसके बाद उन्होंने बात करी तोकीर से रिलेटेड, जिसमें उन्होंने लिखा था तोकीर गिलकर हु होल्ड्स अ की पोजीशन इन स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स, तोकीर टू हैज़ बीन स्पिटिंग पॉइजन अगेंस्ट इंडियंस एंड ओपनली सपोर्टिंग इमरान खान एंड कॉलिंग हिम वॉइस ऑफ कश्मीर। एंड इसके बाद उन्होंने कुछ उनके पोस्ट वगैरह लगाए थे जिसमें उन्होंने लिखा था फ्रॉम कॉलिंग इमरान खान द वॉइस ऑफ कश्मीर टू पोर्ट्रेइंग द इंडियन आर्मी एज अ रेपिस्ट। एंड उन्होंने जो ट्वीट्स वगैरह लगाए थे वो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। एंड इसके बाद जो जियान है वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे एंड उन्होंने इन सब टॉपिक के ऊपर बात करी एंड उन्होंने इस पे क्या बोला था वो आप लोग देख सकते हैं। ओके सो दिस वाज दैट ट्वीट। सो व्हाट हैव आई रिटन, जस्ट सी। ओके गोना वेयर दिस विद प्राइड, स्टालवर्ट ई स्पोर्ट्स 2021 जर्सी विद कश्मीर फ्लैग। नाउ रीड दिस पार्ट एंड ही एक्चुअली पोस्टेड दिस स्टिल आई डोंट नो, या तो उनके फैंस को दे कांट रीड इंग्लिश या तो मुझे समझ नहीं आया। वॉट हैव रिटन, रेयर एडिशन, ओनली 10 ऑफ दीज वुड एवर बी प्रिंटेड, 5 गो टू मी एंड माई फैमिली, 5 वुड बी गिवन आउट टू कश्मीरीज। नाउ आई विल टेल यू कि ये जर्सी कब प्रिंट हुई थी। वी डिड अ गिव अवे फ्रॉम स्टालवर्ट्स पेज, उसमें there were a lot of people from my hometown who participated, and when we closed the giveaway, now we were about to print these jerseys, there were a lot of people from Delhi who won, Rajasthan, Madhya Pradesh, matlab all over the country, and there were a few from Kashmir as well. Now when we made this poll, the people who, like when we asked all of them, we gave them the option, because the team was from Mongolia, we gave them this option, what flag do you want on the jersey? Do you want the original flag which was jo team ka hai, team plays with the Mongolian flag, do you want that one? Do you want a jersey with Indian flag or what? So obviously people from other states, they asked for jersey with Indian flag, jo hamare ek meme page ne post bhi kiya tha, the one that I reshared with Indian flag. Ab, the ones who were from Kashmir, they asked us, is it possible to create with Kashmir's flag? Now, what is Kashmir's flag? Okay, understand this thing, guys. See, state flag of Jammu and Kashmir, right? This was the flag, and this flag was officially in the Constitution of India until 2019. After the abolition, again ye line padna guys, after the, I don't know if my camera is clean. Okay. After the abolition of Article 317 2019, the flag lost its official status. That means this flag was officially recognized by the Indian government, by the Indian law, by the Indian constitution till 2019. Uske baad this flag lost its official status. It was not banned. It was not declared illegal. It's just like crypto in India. Crypto in India is not regulated. It's not a legal tender, but it's not even illegal. Understand this point. Now, when they made these tweets on this jersey part, or इन्होंने इससे start किया, I didn't react because obviously this was not anything big. ये कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ ऐसा लिख दिया था या आई रोट समथिंग अगेन एज द लॉ, अगेन एज द कॉन्स्टिट्यूशन और समथिंग लाइक दैट। आई इग्नोर्ड दिस वन। आफ्टर दिस व्हेन आई डिडंट रेस्पॉन्ड, इन्होंने दे लाइक केप्ट ऑन सेंडिंग अ लॉट ऑफ मैसेज। जब मैंने रेस्पॉन्ड नहीं किया, दे स्टार्टेड टू मेक मोर एंड मोर पोस्ट। आई स्टिल डिडंट रिएक्ट। ओके नाउ दे this soul witwiki, there's another page soul fahrenheit or something like that, these are the two major ones that I know, and there is this extra score or something esports,
started posting these tweets, which I never made. Tweets like Kashmir getting freedom, Indian army, nahi chalo, they have not put me into something against the Indian army, but Kashmir getting freedom, writing things like free Kashmir, all this stuff, Islamabad, capital, theek hai? They started morphing these tweets. Now I'll show you guys how easy it is to edit a tweet. Okay, I won't even like, main, I don't have to be an editor. I don't have to be anything. Theek hai? This is Sol Witwicky, right? This is his profile, right? Correct? All I do this. Just look at the screen, guys. Look at the screen carefully. Now, what they do is, understand this thing, guys. Ye cheez ko samajna. These guys play it so, so fucking amazing. Ki ye kya karenge? They'll record a... What they'll do is ये अपने फोन से स्क्रीन को रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, अब इधर पे आप देखो, ये सोल विटविकी. इट टुक मी लाइक 1 मिनट, राइट? डज इट लुक एडिटेड लग रहा है? नहीं. नाउ सोल विटविकी हैव एडिटेड दिस एंड हैव रिटन आई एम एंटी नेशनल. व्हाट दे डू इज, ऐसे ही फोन इन्होंने हाथ में रख दिया. दे विल शो यू दिस ट्वीट, गाइज, सी व्हाट ही हैज रिटन. Then they will do like this. Then they will do like this. Guys, ye dekho. This is Sol Witwicky's profile. Like, this is Jan's profile. Now the thing is, understand this point. Despite inhone ye sab kiya, maine phir bhi inko jawab nahi diya. I didn't respond. Okay? Maine respond nahi kiya. Yesterday, these guys came up with something very absurd. ठीक है, I'll literally show you my chat with Taukeer bhai. I'll show you my chat with Taukeer bhai. I told him, bro, fuck, now this is going out of my hands. See, this is my chat with Taukeer bhai. Okay, what I've written him, कल मैंने इसको मैसेज की अप्रॉक्सिमेटली 12:23 AM. ब्रो, दे आर लिटरली पोस्टिंग एडिटेड थिंग्स नाउ. इट्स तौकीर भाई ने रिप्लाई दिया, इट्स फाइन, लीव इट. मैंने ये वाला भेजा जो इन्होंने, द वन दैट दे आर सर्क्यूलेटिंग, दिस वन. आई रोट तौकीर भाई, यू वॉन्ट टू सी द रियल वन, एंड आई सेंट हिम द रियल वन विद चेक डेट. नाउ गाइज, अब आई विल शो यू समथिंग अमेजिंग. ठीक है, अब मैं आपको बहुत अमेजिंग चीजें दिखाऊंगा. दिस इज द स्क्रीन शॉट दैट दे आर क्लेमिंग, राइट? दिस इज द स्क्रीन शॉट दैट दे आर क्लेमिंग दैट आई हैव पोस्टेड, जो मैंने डाला है अपने फेसबुक पे, एंड जो भी ये सब बोलते हैं, राइट? आप लोग डेट पढ़ सकते हो, March 11, 2016, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, I'll show you my Facebook profile, guys. This is my Facebook profile. I am verified on Facebook as well. Okay, so that means if I post anything, it will have a check mark. ठीक है? It will have a check mark. Ab I'll show you the crazy fact, guys, which should be more than enough to put everything ki kya sahi hai, kya galat hai, theek hai? This is the real picture that I basically, I don't know what the fuck is wrong with this screen, with this camera or this screen. Okay, this is the real post that I made on 10 February 2016. Okay, obviously I was a kid back then. You used to write all these
silly captions and stuff. So this was the real picture. Understand this point. Now उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था, क्या चल रहा था, I am not sure, कुछ तो क्रिकेट रिलेटेड चल रहा था. एंड या आई यूज टू बी अ डाई हार्ड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम फैन. तो क्या हुआ, अब जब इन्होंने कल ये वाला स्क्रीनशॉट, लाइक व्हेन दे स्टार्टेड सर्कुलेटिंग दिस स्क्रीनशॉट, शेयर अ फोटो और वीडियो विद योर व्यूअर्स. ओके, व्हेन दे स्टार्टेड लाइक शेयरिंग दिस स्क्रीनशॉट इन फुल फोर्स, आई जस्ट वेंट आउट टू माय फेसबुक प्रोफाइल एंड दिस इज फॉर रियल. मुझे लगा कि ब्रो आई हैव नेवर डन दिस, बट आई विल गो एंड आई विल चेक. लकीली आई नेवर डिलीटेड एनी ऑफ माई प्रोफाइल पिक्चर. लाइक सी यूल सी के यहाँ पे दिखाएगा नंबर, बट आई हैव ऑल द प्रोफाइल पिक्चर्स टिल डेट. नाउ द फक डिड दिस गो. ओके, नाउ आप डेट पढ़ो, क्या है डेट, March 11, 2016, राइट, March 11. दिस इज, ये याद रखना गाइस, March 11, 2016, एंड कीप दिस पिक्चर इन माइंड. Now come to this, okay? This is the picture. This is the picture, guys. Wait, I'll show. मैं फिर से आपके सामने refresh करूँगा, so that आपको लगेगा. Okay, now this is the picture, okay? And this is the basically Facebook पे वो frames आया करती थी, right? Now what is the date? 11 March 2016. अगर मैंने इससे पहले मैंने जो लास्ट प्रोफाइल पिक्चर अपलोड की है वो था 8 मार्च, और जो रियल पिक्चर दैट आई हैव अपलोडेड वाज 10 फरवरी, दिस वन. नाउ इफ आई पोस्टेड दिस ऑन 11 मार्च 2016, एंड दिस इज द फ्रेम, हाउ द फक डिड दिस वन हैव द सेम डेट, ब्रो कम ऑन, फॉर गॉड्स सेक, इफ यू आर एडिटिंग समथिंग चेंज द डेट एटलीस्ट. डेट तो भाई किसी ऐसे दिन का डालो ना जो मैं प्रूव नहीं कर सकूं. दिस वॉज लाइक 2 मिनट्स फॉर मी, एंड दिस इज वेयर आई थॉट नाउ आई एम गोना पुट एवरी सिंगल थिंग इन पब्लिक डोमेन. आफ्टर दिस ये हो गया आपका प्रोफाइल पिक्चर का, द वन दैट्स डूइंग राउंड सिंस यस्टरडे, राइट. नाउ आई हैव ऑलरेडी क्लैरिफाइड द जर्सी वन. आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग टू दैट गाइस. मैं बस एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, व्हाई इज इट दैट अ गाय फ्रॉम गुजरात इज प्राउड ऑन बीइंग अ गुजराती, व्हाई इज इट दैट अ गाय फ्रॉम मुंबई और महाराष्ट्र इज अ प्राउड मराठी, एंड व्हाई इज इट दैट अ गाय फ्रॉम कश्मीर कैन नॉट बी अ प्राउड कश्मीरी. दिस इज लाइक इस जो इन्होंने ये मतलब दिस इज माई आंसर टू द कश्मीरी फ्लैग ट्वीट वन, that if a Gujarati can be a proud Gujarati, ek Marathi ek proud Marathi ho sakta hai, why can't I be a proud Kashmiri? Guys, you need to understand that there are two things. Ek ho gayi aapki ethnicity, dusri ho gayi aapki nationality. I would have been an anti-national agar maine ye bola hota ke I am not an Indian, I am only a Kashmiri. माई एथेनिसिटी इज कश्मीरी. मैं अभी भी लाइव पे बोलूंगा माई एथेनिसिटी इज कश्मीरी एंड माई नेशनैलिटी इज इंडियन. एंड इसके बाद जो स्काउट है, जब कल वो अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे तो ये चीज कंफर्म हो गई थी कि वो 7C के साथ PMWI में जाने वाले हैं, अगर इंडिया से कोई भी टीम जाती है तो. एंड वो वाली क्लिप आप लोग देख सकते हैं. बस क्या आगे का प्लान क्या है, PMWI का प्लान क्या है? अगर जाने मिला तो जरूर जाएंगे, नहीं जाने मिला तो भाई गिव अप तो करना है नहीं. तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना.